राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। बीना जी के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे हम ये आलू और गोभी की सब्जी फ्राई करके। तो उसके लिए हमने ये 3 पाव गोभी ले लिया। गोभी को हम टुकड़े कर लेते हैं। ये देखो, अच्छे से हमने धो लिया है इसको 2-3 पानी से। अब इनको हम छोटे छोटे पीस काट लेते हैं इस तरीके से। ये और ये चीज हम हटा देंगे इस तरीके से। काट लेंगे गोभी को ये। तो गोभी हमने सारी काट ली है अच्छे से। ये देखो, हमें इस तरीके से पीस चाहिए, ये इतने। शादी पार्टियों में बनती है वो वाली गोभी, बना के दिखाएंगे कैसे बनती है। और ये हमने 2 आलू ले लिए हैं, इनको छील लिया, इनको भी धो लिया अच्छे से। और इनके हम ज़्यादा छोटे पीस नहीं करेंगे, छोटे पीस ना घुट जाते हैं सब्जी में, इसलिए हम इनके इस तरीके से 1 आलू में से 4 पीस करेंगे इस तरीके से, बड़े बड़े। तो आलू भी हमने काट लिए, देखो इस तरीके से हमें चाहिए आलू के पीस। और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, हमने बिल्कुल पानी नहीं रखा इसमें। सारी गोभी को अच्छे से सुखा लिया, सुखाने का मतलब अच्छे से निचोड़ लिया। और हमने गैस जला लिया, गैस पर कढ़ाई रख लिया। और इसमें हम थोड़ा जीरा ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे। अब जो हमने ये सब्जी काटी है आलू गोभी, इसको हम इसमें डाल देते हैं तेल में। अब इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम 1 चम्मच छोटी नमक ऐड कर देते हैं, जिससे आलू गोभी जल्दी ये गल जाएंगे। कुछ मिनट के लिए ढक देते हैं हम इस सब्जी को। अब कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो मसाले के लिए हमने ये 4 टमाटर ले लिया है, 4-5 हरी मिर्च ले लिया, अदरक ले लिया, ये लहसुन छिला हुआ ले लिया। तो ये सबका हम पेस्ट बनाएंगे। और हमें प्याज की ज़रूरत नहीं है सब्जी में, क्योंकि हलवाई स्टाइल में बनाएंगे ना, तो प्याज की जरूरत नहीं है। हलवाई वाले भैया ना प्याज नहीं डालते इस सब्जी में। तो टमाटर को हम काट लेते हैं। इस तरीके से टमाटर को हम काट लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये हरी मिर्च भी काट ली है। अभी हमने एक जार ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाएंगे। मतलब पेस्ट नहीं बनाना, इसको दरदरा रखना है। सबसे पहले इसी को हम कर लेते हैं, पीस लेते हैं। तो हमें यहाँ धनिया की ज़रूरत पड़ेगी सब्जी में, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। ये मटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और ये टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है हमने। तो आलू गोभी को हमने देख लेते हैं। ये देखो, ये फ्राई हो गए अच्छे से। अब हम गैस बंद कर देते हैं। गैस बंद कर दी हमने। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हम इसको गोभी को ज़्यादा चलाएंगे नहीं, चलाएंगे ज़्यादा तो ये गोभी टूट जाएगी। ये इस तरीके से सारी गोभी को हम निकाल लेंगे। आलू गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखो, ब्राउन ब्राउन चट्टे पड़ गए इस पे, गोभी पे और आलू पे। ये देखो कितने अच्छे से। तो यहाँ पर हम दोबारा से गैस जला लेते हैं, और हम वही कढ़ाई लेंगे, दूसरी कढ़ाई नहीं लेंगे। तो इसी में और ऑयल डालेंगे हम मसाला भूनने के लिए। ये तो इसमें हम तेल गरम हो गया है, दोबारा से जीरा डाल देते हैं और गैस का फ्लेम कम करके रखेंगे, जिससे हमारा जीरा
और ना जीरा जले नहीं। और इसी में हींग डाल देंगे दोबारा से हम। अब लहसुन अदरक का पेस्ट था, हम ये डाल देते हैं सबसे पहले। हमें इस तरीके से चाहिए, ये मोटा मोटा ले ही नहीं बनानी, एकदम पीसना नहीं है इसको, दरदरा चाहिए ये हमें लहसुन और अदरक। ये देखो तो इसी में हम ये टमाटर का पेस्ट भी डाल देते हैं। तो यहीं पर हम मसाले ऐड कर देते हैं, ये थोड़ी सी आधी चम्मच से भी कम हल्दी डाल देते हैं, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम गोभी मसाला डाल देते हैं ये, और ये देगी मिर्च डाल देते हैं एक चम्मच भर के। अब इसको अच्छे से चला लेते हैं मसालों को। तो यहीं पर हम छोटी कटोरी फ्रेश दही डाल देते हैं, ध्यान रखना दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा ये मसाले में। इस तरीके से चलाएंगे हम। तो यहीं पर हम ये मटर भी डाल देंगे, ये मसाले में भुनती रहेगी। ये स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं एक चम्मच, हमने नमक पहले भी डाला था, ध्यान रखना। ये अच्छे से इसको चला लेते हैं। तो अब हम ये हरी मिर्च भी कटी हुई डाल देते हैं। देखना मसाला कितने अच्छे से भुनना है, मसाले में से तेल छूटने लगा। ये देख, मसाले को जब तक भूनेंगे, जब तक ये मटन नहीं गलेगी, जब तक नहीं मसाले को हम छोड़ेंगे, मसाले को भूनते रहेंगे लगातार। तो मसाला अच्छे से भुन गया है और मटर भी गल गई है, ये गरम है। तो अब इसमें हम आलू गोभी डाल देते हैं। ये देखो मसाला कितने अच्छे से भुना है, तेल मसाला अलग अलग हट गया। अब इसमें हम ये गोभी फ्राई करी डाल देते हैं। अब इसको हम सब्जी को अच्छे से चला लेंगे, हल्के हल्के हाथ से चलाएं, गोभी का फूल टूटे नहीं है। ये देखो तो गोभी को हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, कोई इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, 5 मिनट के बाद फिर देखते हैं। तो सब्जी को अब हम देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए। ये देखो कितनी मस्त सब्जी बनी है। सब्जी को हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे ना, गोभी के फूल हमारे ये टूट जाएंगे, ये इस तरीके से। हाँ देखो देखो आलू भी गल गए, कितने अच्छे से गला है आलू। और हम गोभी भी दिखा देते हैं, देखो गोभी भी इतने अच्छे से कट रही है ये, और ये मटर भी देखो कितने अच्छे से गल गई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, क्योंकि हमने खड़े गरम मसाले इसमें सब्जी में नहीं डाले थे, ये गरम मसाले डाल दिए हमने। अब डाल देते हैं इसमें ये धनिया थोड़ा सा, और सब्जी को अच्छे से
चला लेते हैं। अभी हमने गैस नहीं बंद करी है, ये देखो तो अब गैस बंद कर देते हैं, अब दिखाएंगे थोड़ी देर में सब्जी। तो सब्जी को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, ये देखो। तो सब्जी में हम धनिया डाल लेते हैं, ये मसालेदार तीखी चटपटी आलू गोभी की सब्जी हमारी फ्राई हलवाई स्टाइल में बनके तैयार हो गई है। चाहे से पूड़ी से खाइए, परांठे से खाइए, रोटी से खाइए, और चाहे दाल चावल के साथ। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, एक बार ज़रूर ट्राई करना है सब्जी बनाने के लिए। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एक बार ज़रूर बनाना इस तरीके से गोभी आलू, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये हमारी आलू गोभी की सब्जी कैसी बनी।